फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की संभावना है, इसे लेकर एक संभावित तारीख भी सामने आई है। वहीं राज्य में विभागों के बंटवारे को लेकर तीनों दल करीब करीब सहमत नजर आ रहे हैं। राज्य में किस दल से कितने मंत्री बन सकते हैं, इसकी भी संख्या सामने आ गई है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुखिया हिमाचल के विकास और जनहित के बजाय CPS बचाने में जी जान से लगे हुए हैं। हाई कोर्ट द्वारा CPS को हटाने के आदेश देने के बाद भी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है। प्रदेश के विकास में खर्च किए जा सकने वाला बजट वकीलों को हायर करने में खर्च किया जा रहा है। सरकार का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से के ध्वस्तीकरण का आदेश चर्चा का विषय बना है। ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, हालांकि नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से के ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल केस के कप नहीं हो पाने की वजह से मामले की सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले पर एक हफ्ते बाद यानी कि 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। मध्यप्रदेश की 6वीं और नर्मदापुरम संभाग का पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित होने जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आने वाले मुख्य अतिथि और उद्योगपतियों के स्वागत के लिए नर्मदापुरम प्रशासन द्वारा नगर के चौक चौराहों को प्राकृतिक दृश्यों से सजाया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए कैनेडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया के प्रतिनिधि भी नर्मदापुरम आ रहे हैं। सरवन सिंह बंढेर ने ऐलान किया कि 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा। उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और कल का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे 8 किसान घायल हो गए। बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक ये भर्ती लद्दाख यूटी के लिए जारी की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कल यानी कि 7 दिसंबर 2024 को इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जमीन सर्वे को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा कि सभी जिलों को सर्वे पूरा करने में कम से कम 6 माह लगेंगे। 40 साल से चल रहा सर्वे पूरा नहीं हुआ था। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने जानकारी दी कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री का 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने का कार्यक्रम है और वो अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें होंगी। विदेश सचिव के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श एक संरचित जुड़ाव है। दोनों देशों के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बिहार में IT नीति लागू होने के बाद से 30 से अधिक कंपनियों ने 1500 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई। IT कॉन्क्लेव में IT कंपनियों ने 470 करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जताई। होलोवेयर कंपनी ने सबसे अधिक 300 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। इन कंपनियों के आने से बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही नौकरी मिल जाएगी। झारखंड के नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विभागीय मंत्री के तौर पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में भवनों को रेगुलराइज करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी नगर विकास विभाग की है। प्रत्येक शहर में पेयजल की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा कर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।